आज के टाइम में औरत वर्किंग हो या फिर हाउसवाइफ हो, उसके लिए उसका वेलनेस और ग्रूमिंग दोनों होना ही बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज भी औरतों को वेलनेस और ग्रूमिंग दोनों का ही पता नहीं है। इस बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे मिसिस अवनी गांधी वर्मा जी से, जो ट्रांसफॉर्म विद अवनी के साथ जो महिलाओं में है वो चेंज लेती है। मैम, वेलकम टू द नारी। मैम, स्टार्ट करते हैं पहले ट्रांसफॉर्म विद अवनी, ये है क्या? सो ट्रांसफॉर्म विद अवनी एक एसेंशियली एक ग्रूमिंग और वेलनेस स्कूल है, जहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना कर कि खाली हम बाहर से कैसे खूबसूरत लगे, बट ऑल्सो हम अंदर से कैसे खूबसूरत फील करें। सो इट्स अ होलिस्टिक वेलनेस स्कूल जिसे हम बोलते हैं, एंड सारी उम्र की लड़कियाँ और हाउसवाइफ्स, इवन मेन आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस। वेलनेस में जो महिलाएं हैं मोस्टली ये सोचती हैं कि वेलनेस मतलब फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के बारे में उनका मतलब उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है, तो मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है आज के टाइम में? सी वंदना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से। हम जो बाहर जो हम दिखते हैं, वी यूजुअली स्पेंड ऑन दैट, हम काफ़ी टाइम हम उस पर स्पेंड करते हैं कि हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं, हम मेकअप पे स्पेंड करते हैं, हम कपड़े लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा ना मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो मिरर जो होता है हमारी बाहर की खूबसूरती को रिफ्लेक्ट करता है। मगर क्या होता है, साथ ही साथ साथ कई बार हम अंदर की जो हमारी मेंटल वेलनेस है, जो हमारी मेंटल खूबसूरती है, हम उसको हम भूल जाते हैं। यू नो, लाइक बिकॉज ऑफ वुमेन वी आर ऑल मल्टी टास्कर्स, हम इतने रोल्स प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में, एज अ मदर, एज अ मदर इन लॉ, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, काफ़ी तरह हम, यू नो, हम वी आर ऑलवेज गिविंग। जैसे हमारी औरत की जो नेचर होती है, एक नर्चरर की गिविंग नेचर होती है, तो when it comes back to our own mental health, हमारी जो own mental health है, हम उसको neglect करते हैं। तो हम as a transphobic अवनी aspirer student, हम ये बोलते हैं कि please ना, we should also look good, but at the same time we should also feel good. तो हम वो कैसे करें, मतलब इस वजह से हम, you know, we teach them in our school. मैम, जैसे कि आपने बताया कि वेलनेस के लिए मेंटल हेल्थ का की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वेलनेस और ग्रूमिंग, क्या दोनों का आपस में कोई रिलेट है? ऑफकोर्स रिलेटेड है, बिकॉज ये ना हो कि हम सिर्फ अच्छे दिखे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी कोई पार्टी है, मुझे अच्छे दिखना है, मगर एट द सेम टाइम मुझे अच्छा फील होना भी बहुत ज़रूरत है, राइट? हम बोलते हैं ना कि किसी की वाइब्स पॉजिटिव नहीं थी, या तुम लो लग रहे हो, भले मैं अच्छी दिखूं, मगर अंदर से मैं कैसा फील कर रही हूँ, वो हम वाइब्स हमेशा प्रोजेक्ट करते हैं दूसरों पे। तो इसलिए हम एम्फसाइज करते हैं कि आजकल जैसे इतना डिप्रेशन चले आ रहा है, सुसाइड केसेस होते हैं, यू नो, वी रीड इन द पेपर्स के आज किसी ने सुसाइड कर दिया, कोई भी एज हो, कभी किसी को स्टडीज़ का प्रेशर है, कभी किसी को डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं, तो इसलिए वेलनेस के साथ हम ये बोलते हैं कि ना, यू नो, यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट वॉट यू फील फ्रॉम विद इन। तो ग्रूमिंग के साथ साथ वेलनेस अगर हमें, हम हमेशा अगर जोड़ ले, तो आई थिंक हमारी लाइफ काफ़ी स्मूथ हो सकती है। यानी कि हम अंदर और बाहर दोनों एक साथ साथ पैरेलल चले, उसको हमें कभी डिस्क्रिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। रादर आई मस्ट से कि पहले हम अंदर से अच्छा दिखना शुरू करें, ऑटोमेटिकली हम बाहर से भी खूबसूरत लगेंगे। यानी कि सिर्फ बाहर की खूबसूरती नहीं, अंदर की खूबसूरती भी exactly. निखारनी बहुत ज़रूरी right, है right. जो हम आम लोग हैं, जो सेलिब्रिटी नहीं है, उनको लगता है कि ये जो ग्रूमिंग और वेलनेस है, ये सेलिब्रिटीज़ के लिए है, हमारे लिए नहीं है, ये डेली लाइफ में कितना ज़रूरी है? देखो, मेरा ये मानना है और कहना है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो तो अपने आप उनको एक्सपोजर मिलता है, वो अपने आप ग्रूम भी होते हैं, उनको अपने आप वो मेकअप की टिप्स लेते हैं, यू नो, दे ट्रैवल सो मच, मगर जो हमारी डेली उनकी प्रेशर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए वो अपने, आई एम श्योर दे आर ऑल मस्ट बी हैविंग सम लाइफ कोच और दी अदर, और नहीं तो वो प्रेशर्स डील करना जानते हैं। तो मगर ये नहीं है कि सेलिब्रिटीज़ के लाइफ में स्ट्रेस ना हो, जो डेली लाइफ में हमें ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक रैंप वॉक करना ज़रूरी नहीं है अच्छा दिखना और अच्छा फील करना, या ना ही ज़रूरी है कि हम ब्यूटी पैजेंट्स को ज्वाइन करें या हमारी मीडियाज में रोज़ फ़ोटो खींचे। इवन टू लुक गुड एंड फील गुड ऑन अ डेली बेसिस आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे घर वाले हैं या हम हमारे ऑफिस वाले हैं, हम उनके साथ हम रोज़ इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारी जो पॉजिटिविटी, हमारे जो पॉजिटिव ऑराज है, हम हमेशा एक्सचेंज करते हैं। तो बिगिन विथ अस, कि पहले तो अपने लिए करें, अपने लिए अच्छा दिखे, फिट रहे, अच्छी सोच लाएं, और एक ये प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस के साथ ही
यू नो काबिल हो सकती है। मैम जैसे कि आप वेलनेस और ग्रूमिंग के कोच हैं, तो आपने कभी कोई दिक्कत का सामना किया हो, आपको कभी मुश्किल आई हो कि मैं लोगों को कैसे मतलब इस बारे में अवेयर करूँ? मेरे मुंह पे स्माइल है, बिकॉज यू नो क्या होता है, जब ये सबसे बड़ा चैलेंज एज अ कोच इट्स बिगिंस फ्रॉम द हाउस, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी फैमिली वाले इतना सीरियसली नहीं लेते, करेक्ट? वो सोचते हैं कि चलो ये तो तुम्हारा काम है, मगर चैलेंज तो पहले घर से शुरू होती है कि खुद के बच्चों को या खुद के फैमिली वालों को हम कैसे सबसे ज़्यादा हम उनके सामने एग्जाम्पल बने, करेक्ट? एक बार वो हम पार कर लेते हैं देन आई थिंक द वर्ल्ड बिकम्स लिटल ईजियर टू कैप्चर। तो चैलेंज ये है कि अगर जैसे थैंकफुली यू नो आई द पीपल से आई डोंट लुक माई एज, मगर वॉट इफ आई वर नॉट दिस थिन देन वॉट, करेक्ट? बिकॉज लोग मेरे को बोलते हैं आपके लिए तो आसान है बिकॉज आपकी साइज मीडियम है या स्मॉल है, मगर मैं बोलती हूँ नहीं, आसान कुछ नहीं है, यू नो मेरे भी तो बच्चे हैं, दे आर क्वाइट टीनेजर्स, मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आई हैव टू डिवोट सो मच टाइम टू माई सेल्फ, टू माई ईटिंग, टू माई फिटनेस, टू माई थाट्स। सिमिलरली अगर आपको अच्छा देखना है, अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मुझे लगता है कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए फिट रहना या अच्छी बात सोचना। लेकिन ग्रूमिंग हमारे घर में क्या एक अहम रोल देती है? क्यों नहीं देती? जैसे अगर हम अच्छा दिखते हैं, हम अच्छा फील करते हैं, या हमारा घर स्पिक एंड स्पैन हो या किसी तरह से लगे, तो मुझे लगता है कि लोग हमें ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, करेक्ट? अगर मैं ग्रूमिंग सिखाती हूँ और मैं वेलनेस सिखाती हूँ, पर मेरे घर में ठीक ठीक चीज़ यहाँ वहाँ बिखरी हो या मेरे घर में मेरा रिफ्लेक्शन ना पड़े, तो मुझे नहीं लगता मुझे लोग इतना सीरियसली लेंगे। आज मुझे सीरियसली लेते हैं क्योंकि हम जो बोलते हैं और हमारी एक्शंस हैं वो मैच करती है, वो पैरेलल चलती है। छोटी छोटी पेंटिंग्स, छोटी छोटी एक्सेसरीज़, यू नो फॉर एग्जाम्पल बुद्धा पेंटिंग्स हो, जैन पेंटिंग्स हो, या दूसरी एक्सेसरीज हो, दूसरे फर्नीचर्स हो, जो हमारे लाइफ स्टाइल को और हमारे सोच विचार को हमारे घर में कैसे पोर्ट्रे हो, यानी कि हमारी जो पॉजिटिविटी है वो हमसे और हमारे घर से दोनों से जुड़े, करेक्ट, जुड़ती है जी। मैम आपने बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स को ग्रूम किया है, उन्हें कोचिंग दी है वेलनेस की, कोई जिनको आपने अभी मिस इंडिया जी फेमिना मिस इंडिया की दी है, उसमें आपने कितने कितने लोगों को क्या क्या ग्रूमिंग करी? तो जब मैंने फेमिना मिस इंडिया पहले करा हुआ था, तो तब हमारे जो उनकी देर अबाउट फ्यू पार्टिसिपेंट्स जो हर डिफरेंट डिफरेंट शहर से आते हैं, और उसमें काफ़ी सारे दूसरे मेंटर्स भी होते हैं जो हम उनको ग्रूम करते हैं, और देर आर अदर पैजेंट्स ऑल्सो, जैसे मिसेस इंडिया, शी इज़ इंडिया, मिसेस इंडिया वर्ल्ड, ये कैंपस प्रिंसेस, ये कई सारी पैजेंट्स हैं जहाँ पे हम उनको मेंटरिंग देते हैं, ग्रूमिंग टिप्स, वेलनेस टिप्स दोनों साथ में देते हैं। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जी, उसमें आप फाइन डाइनिंग वो हमारे व्यूअर को एक बार जरूर बताइए कि फाइन डाइनिंग आपकी लाइफ में कितनी ज़रूरी है। जैसे हम अगर रेस्टोरेंट्स जाते हैं, वहाँ पे कई सारी कटलरीज होती है, सिल्वरवेयर, ग्लासवेयर, और डिफरेंट तरह की फोक्स होती है, डिफरेंट तरह की नाइफ्स होती है, आगे छोटी फोक्स होती है, साइड में बड़ी नाइफ्स और बड़ी फोक्स होती है, तो हम कैसे इसको हैंडल करें? क्योंकि जब हम एक फॉर्मल सेटअप में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमें टाइम नहीं होता ये सोचना कि हम क्या करें, ना ही हम वेटर से पूछ सकते हैं, ना ही हमारे होस्ट से पूछ सकते हैं। तो एटिकेट जब हम सीखते हैं, जब हम एक चीज हम कहीं प्रिपेयर जाते हैं, तो हमें एक अलग तरीके का सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, करेक्ट? जैसे चॉपस्टिक्स है, जैसे हम जापनीज, जैसे सुशी इज़ क्वाइट अ ट्रेंड, तो हम चॉपस्टिक्स को कैसे हैंडल करें? कई लोगों को ये भी नहीं पता कि हम सुशी को हाथ से भी, जैसे ऑल्सो फिंगर फूड, अगर हमें चॉपस्टिक्स नहीं पता हमको कैसे हैंडल करनी है, तो हम उसको हाथ से भी, फिंगर से भी उठा सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी जो टिप्स होती है कि फॉर एग्जांपल हमको ड्रिंक करना है, तो हम वाइन के ग्लास को, रेड वाइन ग्लास क्या है, वाइट वाइन ग्लास क्या है, हम उसको कहाँ से हम उसको पकड़े, हम उसको गॉबलेट से पकड़े, हम उसको स्टेम से पकड़े, तो ये जो छोटी छोटी टिप्स होती है वो हम फाइन डाइनिंग एटिकेट में सिखाते हैं। जो आम औरतें हैं, जो हम डेली रूटीन में करते हैं, हाउस वाइफ है, वर्किंग वूमन, वो कैसे ग्रूम कर सकती हैं? टिप्स में मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले एक रियलिटी चेक लाओ अपने आप में कि क्या हमारा वेट ठीक है, क्या हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक है। तो सबसे पहले रेगुलर चेकअप्स करवाओ, ठीक है? आफ्टर, स्पेशली वुमेन आफ्टर 40 शुड हैव कंप्लीट रेगुलर चेकअप्स,
यू नो ब्रेस्ट कैंसर हो गया या ओवरियन कैंसर हो गया, ये आजकल की महिलाओं को यू नो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गई, सिस्ट हो गई, तो वी नीड टू गो टू अ प्रोफेशनल, ना कि हम अपने नुस्खे करें गूगल पे सर्च कर दिया, ये हम सब करते जो कि मोस्टली चल रहा है. करेक्ट, शॉर्टकट्स ना ले. ठीक है, जो टीनेजर्स हैं जिनको जो ट्रैवल करते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, वो थोड़ा सा अपनी हाइजीन को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहें कि घर पे आके मुंह धोए, यू नो टोनर्स लगाए, जो एक रूटीन बोलते हैं क्लिनजिंग, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, छोटी जो इट डजंट टेक मोर देन 10 मिनट्स, वो फॉलो करें, ताकि जो टीनेजर्स हैं उनके यू नो एक्ने प्रोन स्किन्स होती है. सो वी शुड बी केयरफुल कि हम दोनों तरफ हम उसको ध्यान दें. और जो एजड स्किन्स होती है, जैसे मैच्योर्ड स्किन्स होती है, तो भी हमको हमारे वेदर के हिसाब से, हमारी डेली रूटीन जो है, हमें इंग्रेडिएंट्स हमें उस हिसाब से चूज़ करने हैं. पर हम फियर्स को लेके, फोबियाज़ को लेके, हम सबकॉन्शियस माइंड में हमारी ऐसी कोई मेमोरी जुड़ी होती है हमारी बचपन में, वो ट्रिगर कर जाती है. अगर ऐसा कोई एपिसोड हमारे साथ वापस होता है, तो हम उसको कैसे ओवरलैप करें, कैसे ओवरशैडो करें, तो हिप्नोथेरेपी हमको आगे बढ़ना सिखाती है. यानी कि किसी के साथ कुछ अगर चाइल्डहुड में कुछ हुआ ट्रॉमा तो हुआ है, वो उससे उभर नहीं पा रहा, तो हिप्नोथेरेपी जो है उसको वहाँ से बाहर निकालती है, मदद करती है, एड करती है. मेकअप टिप्स हो गया या ग्रूमिंग हो गया, हम बाहर से करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ औरतें फिर भी उनका कॉन्फिडेंस है जो वो मतलब बूस्ट नहीं होता. वो बूस्ट कैसे होगा? मतलब क्योंकि ऐसा होता है कि हमें शायद बचपन से हमें किसी ने बोल दिया, या हमें अपने आप, हमने हमारे को किसी और के साथ कंपेयर किया, तो वो जो इनसाइड की जो हमारी खुद की बनाई हुई कॉम्प्लेक्सेस है कि हमको बाहर की वैलिडेशन हमको ज़रूरी है, कि जब तक हमें कोई नहीं बोलता कि आप सुंदर दिखती हो, हमें खुद को नहीं लगता हम सुंदर दिखती है. अगर हम खुश है या हमें लगता है कि मैं ठीक लगती हूँ, तो आप ठीक लगती हो. करेक्ट, तो ऑफकोर्स हमें किसी ने, हमारे वेल विशर्स हैं जो हमारे बच्चे हैं हमारे, हम बोलेंगे कि मामा आपके साथ ये ज़्यादा सुंदर लगेगा, या आपको वो कलर ज़्यादा सुंदर लगता है, तो उसको ज़रूर दिमाग में रखिए. मगर अल्टीमेटली चॉइस मुझे लगता है वो आपकी होनी चाहिए कि आपको क्या कंफर्टेबल लगता है. मैम, आप हमारे नारे यूज़र को टिप्स देना चाहती हैं, मैसेज देना चाहती हैं कुछ ज़रूरी जो उनके लिए अब आने वाले समय में बहुत ज़रूरी है? For all my beloved Nari users, the tip जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि शुरुआत करते mental health से, कि please अपने आप को खुश रखिए, और खुशी बड़ी बड़ी चीज़ों में ना पाएँ, खुशी छोटी चीज़ों में, रोज़ की चीज़ों में ढूँढे, ना तो खुशी किसी और में हम पाए. ये मुझे मालूम है कि आसान है बोलना, मगर फिर भी एक ये प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस अपने लाइफ में ज़रूर इनकलकेट करिए. और जहाँ पे हम कैसे दिखते हैं, वो फिटनेस और ग्रूमिंग के हिसाब से अपने आप को थोड़ी थोड़ी देर, दिनों में या महीनों में थोड़ा ऐसे इन्वेस्ट करें जहाँ पे हम थोड़ा सा अलग दिखें, ताकि थोड़ी सी चेंज हम अपने आप में लाए, बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, और चेंज ही हमें आगे बढ़ाता है. चाहे हमारे दिखने में हम थोड़ा सा चेंज करें, चाहे फॉर एग्जांपल कभी अपने बाल को कुछ कलर कर दिया, कभी अपने वार्डरोब में हमने कुछ चेंजेस लाए, कभी हम मिक्स मैच करें, कभी हमने घरों की चीज़ यहाँ से यहाँ पे रख दी, कभी कर्टन्स चेंज कर रहे हैं, ये सब जो छोटी छोटी चेंजेस हैं वो पॉजिटिविटी भी लाएगी और आपको मज़ा भी आएगा. क्योंकि जैसे हम रोज़ नया खाना पसंद करते हैं, वैसे ही अपने आप में भी हमें थोड़ी सी चेंजेस लानी चाहिए. थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे व्यूज़ हमारी जो नारी ये टीम के व्यूअर हैं उनको दिए हैं. तो आपने देखा, ट्रांसफॉर्म विद अवनी के साथ हमें वेलनेस, ग्रूमिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे टिप्स मिले हैं. वेलनेस भी बहुत ज़रूरी है, ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है, महिलाओं को इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और आज के मॉडर्न समय में ये होना भी बहुत ज़रूरी है. ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहिए नारी के साथ.